हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में दो वीडियोस नंबर सिस्टम पे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ये दो मैंने पहले रिलीज कर दी है और अभी थर्ड वीडियो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ट्रायंगल्स पे है। तो देखिए, ट्रायंगल्स के चैप्टर के रिगार्डिंग मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी अलॉन्ग विद थ्योरम लाइक बीपीटी एंड इट्स अ कन्वर्स, ये आप पहले थॉरली लर्न कर लो और इनका एप्लीकेशन देन एनसीईआरटी के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे देखो किस तरह से अप्लाई होते हैं। और इनमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो, जैसे इन पर्टिकुलर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन 3 मार्कर भी आ सकता है और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में 1 मार्कर भी आ सकता है। तो मैं आपको दोनों मेथड से बता दूंगा कि आपको किस तरह से इसे प्रूव करना है। तो आप कॉन्सेप्ट वाइज इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लो और रिजल्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी वो भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि एनसीईआरटी अगर आपने किया तो थॉरली पता होंगे। अदरवाइज इफ यू आर स्टार्टर वन, तो अब मैं यही कहूंगा मेरे चैनल पे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस की वीडियो को वॉच कर लो एंड देन उसके बाद प्रोसीड करो फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इस फिगर में गिवन है AD:DB इज 3:5, AC इज 4.8, फाइंड AE, और ये आपको गिवन है पैरेलल। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन एक साइड के पैरेलल होती है तो एज पर थ्योरम इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। तो वी विल राइट दैट DE पैरेलल BC, देयरफॉर बाय बीपीटी दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AD:DB मस्ट बी इक्वल टू AE:EC, this upon this। अगर सपोज मैं ए को x मान लू तो ये रिमेनिंग दैट इज 4.8 माइनस एक्स ये होगा। अब इसे प्लेस कर दे, AD:DB इट इज 3:5 रेशियो, ए है x एंड EC है 4.8 माइनस एक्स, देन इसका करें क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट वी गेट 5x इज इक्वल टू, इसके बाद है 4.8 × 3, मैं इसे बताता हूं क्या आएगा, 4.8 × 3 ये आएगा 14.4 माइनस 3x, इसे इधर लाओगे एक बन जाएगा 8x इज इक्वल टू 14.4 और x इज इक्वल टू 14.4 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1.8, और आंसर मैंने पहले रेफरेंस में लिख लिया 1.8। तो इस केस में वी विल राइट दैट therefore AE is equal to 1.8 centimeter। तो आप इसे सब्जेक्टिव में या डिस्क्रिप्टिव में कैसा भी उसमें ऑब्जेक्टिव में आए, आप इसे आप मेथड सीख ले कैसे करना है। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको एक तो ये राइट एंगल गिवन है, यहां से एल्टीट्यूड गिवन है, देन BD 8 सेंटीमीटर ये गिवन है, AD ये 4 गिवन है और आपको CD फाइंड करना है। तो देखिए, इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि आप इस केस में जब भी राइट एंगल से एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है तो दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं। ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में आए तो पहले आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करोगे, वो कैसे आप देखें। सपोज मैं ये एंगल नंबर 1 मार्क कर दूं, ये एंगल नंबर 2 मार्क कर दूं, तो आई विल राइट एंगल 1 + 2 इज इक्वल 90 डिग्री। पहले मैं आपको प्रूव करके बता दूं कैसे होगा, एंगल 1 + एंगल 2 90 डिग्री। इसके बाद AB:DE में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो इसमें आएगा A + 2 + 90 = 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABD। इसके बाद आएगा A + 2 = 90 डिग्री। तो इक्वेशन नंबर 1 ये भी वैल्यू 90 रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन नंबर 2 ये भी 90 रिप्रेजेंट करती है, तो वी विल राइट बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये बन जाएगा एंगल 1 + एंगल 2 शुड बी इक्वल टू एंगल A + एंगल 2, और अगर 2 का 2 से कैंसिलेशन कर दें तो व्हाट वी गेट एंगल 1 = एंगल A। मैं इसमें से डबल मार्क कर दूं, ये डबल मार्क हो गया, और इधर इसे डबल मार्क कर दूं, तो आप देखिए दोनों ट्रायंगल में एक तो डबल मार्क वाला ये एंगल सेम हो गया और दोनों राइट ट्रायंगल भी है, इसके पास भी 90 है उसके पास भी 90 है, तो दो ट्रायंगल से सिमिलर हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट ट्राइंगल, अगर सपो इसमें करोगे DAB सिमिलर, आपने क्यों ये 90 का पहले लिया है तो इधर भी 90 लेना पड़ेगा, और इसके इक्वल है DB ट्राइंगल DBC।
तो डी ए बी इट मीन्स डी पे बना हुआ एंगल डी के इक्वल होना चाहिए ये, ए पे बना हुआ एंगल इधर बी के इक्वल होना चाहिए ये, एंड इधर बी पे बना हुआ ये और सी इक्वल होने चाहिए। दैट इज अगर आप चाहो तो इसे आप ट्रिपल मार्क कर दो, ट्रिपल मार्क। अगर ये ट्रिपल मार्क है तो इसके पास ये भी ट्रिपल मार्क होगा। तो अल्टीमेटली ये करके लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप उसको लिखेंगे प्रोपोर्शनैलिटी, ये बनेगा डी ए बाई डी बी शुड बी इक्वल टू ए बी बाई बी सी शुड बी इक्वल टू डी बी बाई डी सी। कैसे किया हमने, फर्स्ट टू अल्फाबेट फर्स्ट टू, लास्ट टू लास्ट टू, फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड। अब इसके अंदर हमें जो बी डी का स्क्वायर है ना इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके व्हाट वी गेट, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इस राइट ट्रायंगल में ये प्रूव करो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो ये थ्री मार्क का क्वेश्चन आ सकता है और इसे इस तरह से प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो बाय डबल ए ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगी और प्रोपोर्शनलिटी का रिजल्ट ये आएगा कि इफ इन अ राइट ट्रायंगल, आप ध्यान से सुन लें, इफ इन अ राइट ट्रायंगल एल्टीट्यूड इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल, एल्टीट्यूड इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल, देन स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड दैट इज ये स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू सेगमेंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के दो पार्ट्स हो गए ए डी बी सी, तो स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू सेगमेंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। बट अगर सपोज यही क्वेश्चन वन मार्कर है तो क्या करना है, तो आपने सिंपली आपने ये रिजल्ट लिखना है, वैल्यू पुट करनी है एंड एमसीक्यू में टिक करके उसका वन लाइन में एक्सप्लेनेशन दे देना फिनिश। जैसे इसके अंदर आई विल राइट बी डी स्क्वायर, तो ये बनेगा 64 इज इक्वल टू ए डी, ए डी में गिवन है 4 इंटू सी डी और सी डी अननोन है, ये इसका अपॉन में लाओगे तो सी डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। और रेफरेंस के लिए मैंने इसका भी आंसर लिख रखा है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक और बता दूं, इसमें तीन क्वेश्चन बनते हैं कि अगर सपोज राइट ट्रायंगल में एल्टीट्यूड इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल, लेट अस से ट्रायंगल एबीसी है राइट एंगल और इसमें ये एल्टीट्यूड ड्रॉन है, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें तीन रिजल्ट बनते हैं। पहला एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, यानी इसका स्क्वायर यहां से एल्टीट्यूड तक यहां से दूसरे एंड तक, ये तब बनेगा जब इस ट्रायंगल को पूरे के सिमिलर प्रूव करोगे तो। ओके, ये अब सेकंड वीडियो में अलग से क्वेश्चन कवर कर दूंगा, अभी आपको बता रहा हूं और आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करें तो यू कैन कंप्लीट इट योर सेल्फ ऑल्सो। दूसरा बनेगा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से एल्टीट्यूड तक इंटू यहां से यहां तक, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी बी, ये तब बनेगा जब इसे पूरी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दो। और थर्ड रिजल्ट इन्हें आपस में सिमिलर कर दो जो मैंने अभी किया है, तो आएगा स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड यानी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू सेगमेंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो आप इसे थॉरली लर्न करने, क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में, प्री बोर्ड में नजर आएगा आपको। और इसे वन मार्क आपको बता दिया, बाय टेकिंग इट एज स्टैंडर्ड रिजल्ट यू कैन प्लेस द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव टू और थ्री मार्क में भी आ सकता है। आपको देखा है इस फिगर में ए डी ई बी के बराबर है, ए डी ई मैं इसे डबल मार्क कर दूं और बी को भी डबल मार्क कर दूं, इक्वल दे रखा है। फिर है ए डी 3.8, तो इसे लिखे या यहां भी लिखा हो एक ही बात है, ए ई 3.6, ए ई 3.6, देन बी ई 21, बी ई, बी ई ये रहा 21 और बी सी 4.2। और क्वेश्चन है फाइंड डी ई, व्हाट इज डी ई, ये क्वेश्चन मार्क या एक्स मार्क कर लें। तो ऑब्वियस है इसके अंदर पहले तो आपको ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी पड़ेगी, थ्री मार्कर क्वेश्चन में ये भी आ सकता है प्रूव द ट्रायंगल आर सिमिलर, थ्री मार्कर में इसकी प्रोपोर्शनलिटी दे के भी पूछना आ सकता है कि ये रिजल्ट कैसे आया, ऑब्वियस है सिमिलरिटी के बाद आएगा। और थ्री मार्कर में ये भी आ सकता है कि वैल्यूज दे दे और एक वैल्यू अननोन हो, तो अल्टीमेटली सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है, तो पहले आपको इसकी सिमिलरिटी को प्रूव करना, सिंबॉलिकली लिखना प्रोपोर्शनैलिटी को, और वहां तक तो आना चाहिए, उसके बाद वैल्यू प्लेस करके होगा कैसे। We will write in a triangle A B E, अगर मैं लिख रहा हूं A B E एंड ट्राइंगल A D E, तो A B C लिखूंगा मैं इन दो ट्राइंगल में, तो I will write angle A is good angle A common,
दोनों के पास है एंगल ए, इसके पास भी है, इसके पास भी है, एंगल ए इसको एंगल ए कॉमन, और डबल मार्क ये वाला लिखूंगा मैं, ये दे रखा है, तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी होगी, और सिमिलैरिटी के बाद अब आपने अगर ये सिंबॉलिकली ए डी ई ए बी सी अगर ठीक लिखा है तो फिर उसके बाद क्वेश्चन अपने आप ठीक होगा। तो आई विल राइट ए डी बाई सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने के बाद प्रोपोर्शनलिटी ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू डी बाई बी सी इज इक्वल टू ए बाई ए सी। वैल्यू प्लेस करोगे तो 2.1 है, तो ए डी की जगह प्लेस कर दिया हमने 3.8, ए बी इज सम दैट इज 5.7, डी अननोन है और बी सी है 4.2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी गेट डी ई इज इक्वल टू 2.8, और फॉर रेफरेंस मैंने आंसर पहले लिखा हुआ है। तो इसे सिमिलैरिटी से करना, प्रोपोर्शनलिटी लिखना एंड अननोन वैल्यू को फाइंड करना, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। ये नेक्स्ट सेट ऑफ थ्री क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड वैसा ही है, तो इससे भी आप कॉन्सेप्ट वाइज सीख लो, और वेरी लाइकली प्री बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है ट्राइंगल्स के पार्ट पे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन है, और ये आपको गिवन है लाइन लेट अस से टी ए ले लें सपोज, ये आपको गिवन है 47 डिग्री, ये बी सी एक्स और ए क्वेश्चन, ये एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, और ये वेरी लाइकली ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आता है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है, और मे बी और एक्सप्लेन करने के लिए 2 मार्क क्वेश्चन भी आ जाए। तो देखिए इसके अंदर आपने क्या करना है, इन ट्राइंगल आर टी ए एंड ट्राइंगल आर टी ए एंड आर क्यू पी इन दोनों में एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन, और एंगल टी इज इक्वल टू एंगल क्यू सामने आएगा 47 डिग्री ईच। तो अगर ये दो दो एंगल इक्वल है तो बाय डबल ए वी कैन राइट बाय डबल ए ट्राइंगल आर टी ए सिमिलर ट्राइंगल आर क्यू पी। तो अगर ये सिमिलर है तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हैं, जैसे स्मॉल ट्राइंगल में आर के सामने एक्स और बड़े वाली ट्राइंगल में आर के सामने ए इज इक्वल टू स्मॉल ट्राइंगल में अनमार्क के सामने सी अनमार्क्ड, ये एंगल अनमार्क्ड है, और इसमें 2 मार्किंग के फिर ये अनमार्क्ड है क्यू पी इसके सामने बी प्लस सी। आप या तो इसे ऐसे समझ लें या समझ लें आर टी बाई आर क्यू टी ए बाई क्यू पी आर ए बाई आर पी, आपको मैंने बता रखा है, किसी भी तरीके से समझ लें। अगर आप इसे इस तरह समझोगे कि इक्वल एंगल के सामने की साइड प्रोपोर्शनल होती हैं और प्रोपोर्शनल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं तो भी आप कर पाओगे, और अदरवाइज सिंबॉलिकल ठीक लिखा हुआ है तो फिर आप इसकी डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो प्रोपोर्शनैलिटी। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इज इक्वल टू ए सी बाय बी प्लस सी, तो विच इज द आंसर ए सी अपॉन बी प्लस सी, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल दिस अपॉन होल। ध्यान रखना इसके अंदर अगर आप कोई मान लो पैरेलल कहते हो और पैरेलल कहकर बीपीटी अप्लाई करते हो, ध्यान देना, अगर आप ये कहते हो कि 47 कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये और ये पैरेलल देयरफॉर बाय बीपीटी, बीपीटी दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस तो बताती है बट दिस अपॉन दिस बीपीटी नहीं बताती, वो आपको सिमिलरिटी से ही करना पड़ता है, समझ रहे डिफरेंस दोनों में। अगर मैं कहूंगा छोटी ट्राइंगल और बड़ी ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके बारे में भी मैं कह सकता हूं, बट ओनली बीपीटी में दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, नथिंग दिस अपॉन दिस, इसके बारे में नहीं होता, और ये आपको सिमिलरिटी के बाद ही पता चलता है। देन ये क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, ये आपको दे रखा है, सिमिलर दे रखी है, और एंगल ए 31 है आर 69 है फाइंड क्यू। तो देखिए इसके अंदर का सिमिलर दे रखी है ना, तो वर्टेक्स वाइज एंगल मैच करेंगे, दैट इज ये इससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा और थर्ड थर्ड से मैच करेगा। तो हम लिखेंगे बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयरफॉर दे आर इक्वी एंगुलर, दे आर इक्वी एंगुलर, तो इक्वी एंगुलर मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके इक्वल होंगे, जैसे यहां ए से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पी, तो देयरफॉर आई कैन राइट पी इज इक्वल टू 31 डिग्री क्योंकि इससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करोगे तो एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, पी है 31 डिग्री प्लस क्यू है
आर है 69 डिग्री और क्यू अननोन है, एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, इनका सम आया 100, उधर जाके लेस कर दो तो क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री, विच इज द आंसर 80 डिग्री। तो इसमें सिंबॉलिकली लिखा हुआ होगा, वर्टेक्स वाइज एंगल मैच करेंगे, और अगर सपोज फिगर नहीं गिवन, सपोज कोई फिगर गिवन नहीं है, तो आप ये समझ लें इक्वल एंगल के सामने की साइड प्रोपोर्शनल एंड प्रोपोर्शनल साइड के सामने का एंगल इक्वल, इससे भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, जो मर्जी अप्लाई करो, बट अल्टीमेटली आंसर शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ये सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है, एक लैंप पोस्ट है और लैंप पोस्ट के बेस पे अ गर्ल इज स्टैंडिंग, ये सपोज लैंप पोस्ट है ये, और गर्ल स्टार्ट्स मूविंग, और सपोज 4 सेकंड के बाद वो यहां आ गई, तो उसके बाद ये इसकी शेडो, लेट अस से ए बी इज शेडो आफ्टर 4 सेकंड लिखना पड़ेगा, ए बी इज, क्योंकि गर्ल ने यहां से स्टार्ट किया, यहां से चलते हुए आफ्टर 4 सेकंड, तो ए बी इज शेडो आफ्टर 4 सेकंड, और इसी की लेंथ निकालनी है, और हमें क्या गिवन है, पोल की हाइट इट इज 5 मीटर, तो ये मैंने 5 कर दिया, गर्ल की हाइट 100 सेंटीमीटर यानी 1 मैंने ये कर दिया, लेंथ ऑफ शेडो ए बी है और सपोज ये पी क्यू है, तो पहले हम ये देख लें इस स्पीड से इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, तो वी विल राइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल इज इक्वल टू फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 1.9, टाइम है 4, ये बनेगा 7.6 मीटर, दैट इज अ क्यू ए, ये क्यू ए जो गर्ल ने डिस्टेंस यहां से यहां तक ट्रेवल की, ये 7.6 मीटर है। देन उसके बाद जैसे इसमें बताया था, इन दो ट्रायंगल में लेट अस से ये टी है, बी टी ए एंड बी पी क्यू, मैं लिख देता हूं बी टी ए, सिमिलर बतानी पड़ेगी बी टी ए बी पी क्यू के, और रीजन क्लियर है, दोनों में ये कॉमन है, इसके पास ये 90, इसके पास ये 90, तो अगर सिमिलर है तो साइड मस्ट बी प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मीन्स दिस अपॉन दिस, दैट इज 1/5, अगर दिस अपॉन दिस लिखा है तो दिस अपॉन होल आएगा, तो एक्स अपॉन 7.6 प्लस एक्स, ध्यान रखना, फिर वही कहूंगा ये बीपी नहीं है कि दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, और इसके बारे में कुछ ना कहें, ये सिमिलैरिटी है इसकी ट्रायंगल की सिमिलैरिटी इससे, तो 1/5 शुड बी इक्वल टू एक्स अपॉन 7.6 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7.6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5x, और 7.6 इज इक्वल टू उधर जाकर लेस करोगे 4x, therefore x is equal to 7.6 upon 4, तो 1.9, तो therefore length of shadow, we will write length of shadow after 4 second is equal to 1.9 meter, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट सेट ऑफ 4 क्वेश्चंस वो है जो आपने डिफरेंट रेप्यूटेड बुक्स एग्जाम आइडिया एमटीजी और ऑल इन वन में देखे होंगे, ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में और बोर्ड में डेफिनेटली अपीयर होंगे, आप इन क्वेश्चन को जरूर कॉन्सेप्ट वाइज समझ के चलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर पी क्यू टू बी पैरेलल विद ए बी, तो इसे पैरेलल होने के लिए वी अप्लाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है अगर रेशियो सेम होगा तो पैरेलल होंगी, तो वी विल अप्लाई बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इफ रेशियो इज सेम इट मींस एक्स प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19 should be equal to x upon 3x plus 4, that is AP by PB is equal to AQ by QC, इसे cross multiply करें, x की value आ जाएगी, for the timing मैं आपको बता दूं कि आपने करना क्या है, x plus 3 into 3x plus 4 should be equal to x plus 3, 3x plus 4, x into 3x plus 19, it will reduce to quadratic equation, 3x square plus 9x plus 4x plus 12 is equal to 3x square plus 19x, यहां 3x square कर दे cancellation, ये 13x और इधर आके less होगा 16, तो minus का 6x और 12 उधर जाके minus का 12 cancellation, x is equal to 2, तो ये answer है, मैंने reference के लिए लिख दिया है कि for x is equal to 2 line PQ will be parallel to BC as per कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
और ये अभी प्री बोर्ड में भी आपके केस स्टडी में नजर आएगा आपको। इसके ऊपर बेस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं, बट इसे समझ लोगे तो सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में साइड है 16 एंड 8 और उसके अंदर लार्जेस्ट साइज का स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, करेक्ट। वी हैव टू फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, फिगर आपको ये गिवन होगी। तो हम ये मान लें कि इसकी साइड एक्स है, लेट अस से साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा। अगर x होगा तो af बचेगा बाकी 16 माइनस एक्स दिस, ये 8 बता रखा है, ये x तो ये बचेगा 8 माइनस एक्स। पहले आप इतना समझ लें। इसके बाद आपने करना है इन ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल, इसमें और इसमें AFD एंड ट्रायंगल DEC। AFD के पास एंगल F90 है और इसके पास एंगल E90 है, सामने आएगा ईच 90 डिग्री। फिर AFD के पास ये लेटर से एंगल 1 और DEC के पास C, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C, रीजन आपको पता ही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बाय डबल ए ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, बाय डबल ए ट्रायंगल AFD इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC। और अगर सिमिलर हो गई तो अब हमने लिखनी है प्रोपोर्शनैलिटी, तो बेस अपॉन बेस That is x upon 88 minus x, base upon base, मैं ऐसा लिख रहा हूं, x upon 8 minus x is equal to altitude 16 minus x upon altitude, that is x। तो इन दोनों की सिमिलैरिटी प्रूव करनी है, इन दोनों की प्रोपोर्शनलिटी लिखनी है और कैलकुलेशन है। जैसे ये करोगे x square ये आ गया और ये बनेगा 16 का 8 का 16 इंटू 8 ये बनेगा 128 माइनस 16x माइनस 8x और बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसका कैंसिलेशन कर दें और इधर लाके 24x पॉजिटिव हो जाएगा और 128 यहां रह जाएगा, तो 128 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 5.33 और इसे आप सिंप्लीफाई करोगे एक्स इज इक्वल टू 16/3। अगर एमसीक्यू में होगा तो आपको 16/3 ऑप्शन दे रखी होगी क्योंकि इसका 5.3 समथिंग आ रहा है, तो ये 16/3 एक्स की वैल्यू आ गई। देयरफॉर साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर विच कैन बी इंस्क्राइब इन दिस राइट ट्रायंगल इज 16/3 सेंटीमीटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्री बोर्ड पर्पस। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 5 मार्कर भी आता है और क्वेश्चन नंबर 9 1 मार्कर भी आता है, दोनों में डिफरेंस समझ लें। क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज दो पोल्स हैं AB और EF पोल्स हैं और उनके अंदर टॉप ऑफ वन इज जॉइंट टू बॉटम ऑफ अदर एंड परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहा मैंने, सपोज AB और EF दो पोल्स हैं, टॉप ऑफ वन इज जॉइंट टू बॉटम ऑफ अदर, टॉप ऑफ अदर इज जॉइंट टू बॉटम ऑफ सेकेंड, देन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर इज ड्रॉन। ये तो क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो आपको इस तरह से भी आप दे सकते हैं, आपको ये दोनों डायमेंशन गिवन होंगी, या 5 मार्कर में ही आएगा प्रूव दैट ये आएगा 1/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। और मेरे चैनल पे सिमिलर ट्रायंगल्स की एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कवर्ड है, आप इसे थॉरली समझ लो जरूर, ये 5 मार्कर क्वेश्चन आए तो इसका प्रूफ कैसे, अभी तो फॉर द टाइमिंग क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं लीस्ट टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस समय इसका मैं प्रूफ अभी नहीं बता रहा, बट एक सेपरेट वीडियो में आप ट्रायंगल्स की प्लेलिस्ट में जाओगे उसमें एक क्वेश्चन में एक वीडियो में क्वेश्चन कंटेंट है, आप उसे देख लेना। फॉर द टाइमिंग अगर 1 मार्क आए और ऐसा हो तो हमारे पास रिजल्ट है 1/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। आप सिंपली वैल्यू पुट करोगे 1/5 प्लस 1/10 एलसीएम 10 2 प्लस 1 3/10, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर और ये 1 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 मार्कर में आपको दो बार सिमिलैरिटी लिखनी है और दो सिमिलैरिटी लिखने के बाद एक्सप्रेस करना है, वो आपको डिस्क्रिप्टिव में सब्जेक्टिव में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नो नीड टू से कि ये भी परपेंडिकुलर है, तभी आप सिमिलर प्रूव कर पाओगे। इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर प्रूव करना पड़ता है, इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर प्रूव करना पड़ता है तो रिजल्ट होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी देखिए आप, ये क्वेश्चन भी 5 मार्कर 3 मार्कर भी आ सकता है, 1 मार्कर भी आ सकता है। तो अगर 1 मार्कर आए तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी लिखनी है और अभी मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टी वाले बता रहा हूं,
वन मार्क करनी है कि इन अ ट्रेपीजियम डायगोनल्स डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, दैट इज ये ट्रेपीजियम है, दो डायगोनल्स हैं, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल दिस अपॉन दिस, तो डायगोनल्स आर डिवाइडिंग ईच अदर प्रोपोर्शनली। और इसे अगर प्रूव करना पड़े तो एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है और मेरी वीडियो में इसका सोल्यूशन भी है, आप उसे जरूर देख लो पहले इसका प्रूफ कैसे है, क्योंकि अगर थ्री मार्केट में अगर प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल राइट इट एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट इन अ ट्रेपीजियम डायगोनल्स डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, देयरफॉर वी विल राइट डीओ बाय बीओ शुड बी इक्वल टू सीओ बाय एओ, तो 6x-5 अपॉन 2x+1 शुड बी इक्वल टू 5x-3 अपॉन 3x-1। यहां से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वो आपका फाइनल आंसर होगा। अभी फॉर द टाइमिंग, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि लीस्ट टाइम में मैक्सिमम नॉलेज डिलीवर करने की टेंडेंसी में मैं चल रहा हूं, आपको मैं कोशिश ये करता हूं कि आप बेसिक पहले सीख लो, आप उसके बाद ही हायर लेवल क्वेश्चन पे जाओ, अदरवाइज क्या है आप डायरेक्ट इन क्वेश्चन पे जाओगे तो मे बी आपको लगे कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है और टॉपिक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट है, तो ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप इन मैथमेटिक्स। जैसे मैं डिवाइस करता हूं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैंने कई स्टूडेंट्स को लोएस्ट लेवल से टॉप लेवल तक भी लिफ्ट किया है, तो उसका एक ही सिस्टम है कि आप एक मैथमेटिक्स में रिदम बना के चले, दैट इज लोअर से स्टार्ट करें, स्टेडिली स्टेडिली एक स्टेप आगे चलते जाओ एंड आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और तब आपको मैथमेटिक्स भी और टीचर भी सब्जेक्ट भी सब अच्छा लगेगा। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आए क्वेश्चंस, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे देना, अपने सभी फ्रेंड्स को सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो और चैनल सरोजा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको सारी 9th और 10th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अलॉन्ग विद एनसीईआरटी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विद बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको अपने चैनल पर डिलीवर कर रहा हूं और आपको सभी को वो अवेलेबल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।